हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृतपाल कौर और स्वागत है आपका कवनूर किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट और स्पॉन्जी वेज इडली, जो कि खाने में बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हम एक बाउल में डालेंगे 1 कप सूजी, इसमें डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम दही, स्वाद के अनुसार नमक, और इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे। हम लेंगे 1/2 कप पानी और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम बैटर के साथ मिलाते रहेंगे। हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 20 मिनट बाद हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे ढक के गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी सूजी में सारी वेजिटेबल्स डाल लेंगे। बैटर में डालेंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च, और इन सबको हम बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। हमारा बैटर तैयार है, हम इसको साइड पे रख देंगे और इडली स्टैंड को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी इडली स्टैंड के साथ चिपके ना। हम बैटर में डालेंगे इनो। हम इनो तभी डालेंगे जब हमने बैटर को इडली स्टैंड पे डालना होगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे जल्दी से मिला लेंगे। और इडली स्टैंड पे बैटर को डालेंगे। बैटर हम 3/4 ही डालेंगे और इतने बैटर से हमारी 16 इडलीज बनेंगी। अब हम ऐसे ही सारा इडली स्टैंड भर देंगे और हमारा पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें बहुत ही सावधानी से इडली स्टैंड को रखेंगे और ऊपर से ढक के 12 से 15 मिनट तक इडली को पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम अपनी इडली चेक कर रहे हैं। इसे हम नाइफ के साथ चेक करेंगे। अगर हमारा नाइफ बिल्कुल साफ है तो इसका मतलब हमारी इडली बिल्कुल बन चुकी है, और अगर नाइफ के साथ बैटर चिपके इसका मतलब है इसे हमें 1-2 मिनट के लिए और पकाना पड़ेगा। हमारी इडली बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और एक नाइफ की सहायता से उतार के एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।